हाय व्यूवर्स, माइंड बूस्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कुछ ऐसी संख्याओं की मल्टीप्लाई जो आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। यदि आप इस मेथड का यूज नहीं करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे कि आपके सामने एक संख्या हमने दिखाई भी है, 97 की मल्टीप्लाई 113 से यदि आप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, इस मेथड के बाद आपको ऐसी संख्या की मल्टीप्लाई करने में मात्र 5 सेकेंड लगेगी। उससे ज़्यादा आप 5 सेकंड से ज़्यादा आप उसकी मल्टीप्लाई करने में नहीं लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही कुछ संख्याओं की मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनको एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम मिलता है, इसलिए आप इस मेथड को अपने माइंड में ज़रूर रखें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जो टाइप रखा है उसका नाम है क्रॉस सब्सट्रैक्शन। देखिए, दोनों संख्या यदि 80 से 99 के बीच में होंगी तो उनकी मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 95 और मुझे उसकी मल्टीप्लाई करनी है 96 से। देखिए, दोनों संख्याएं नज़दीकी संख्याएं हैं, इनको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखिए। यदि आप नॉर्मली मेथड से करें तो वो आप जानते ही हैं, कक्षा 5 का मेथड। देखिए, वो नहीं करना है, लेकिन आपको यहाँ पे आपको शॉर्ट मेथड करना है। कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि ये संख्या 100 से कितनी कम है और ये संख्या 100 से कितनी कम है। देखिए, मुझे यहाँ पता है कि ये संख्या 5 कम है 100 से और ये संख्या 4 कम है 100 से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से घटाना है और इसको यहाँ से घटाना है। देखिए, 95 में से यदि मैं 4 माइनस करूँगा तो ये 91 आएगा, और इसी केस में यदि मैं 96 में से 5 माइनस करूँगा ये भी 91 आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई 4 में कर देनी है तो ये आ जाएगा 20। देखिए, ये आपका आंसर आ गया बहुत जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से। इसी तरह देखिए, एक 92 की मल्टीप्लाई 94 से कर लेते हैं, ऐसा ही यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या होगा, ये 100 से 8 कम है और ये 100 से 6 कम है। ठीक है, 94 में से यदि हम 8 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 86। इसी तरह यदि 92 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो ये तब भी 86 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों संख्या की मल्टीप्लाई कर देनी है और उसको यहाँ पे लिख देना है, तो आपका ये आंसर आ गया। इसी तरह यदि मैं एक संख्या ले लेता हूँ, अब की बार 89 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 94 में। देखिए, एक संख्या क्या है, एक संख्या 90 से कम है अभी बार और एक 90 से प्लस है, लेकिन दोनों संख्याएं 100 से कम है। ठीक है, ऐसे में क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये 100 से 11 कम है और ये 100 से 6 कम है। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से माइनस और इसको यहाँ से माइनस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 83, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 66। ये हमारे पास में आंसर आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक नज़दीकी होगा 90 के। जैसे 97 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 84 में। ठीक है, यहाँ पर भी यही करना है, यहाँ पर ये 100 से 3 कम है और यहाँ पर ये 100 से 16 कम है। ठीक है, यहाँ पे इसकी इसको यहाँ से माइनस करेंगे, इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा वो देख लीजिए। यदि मैं 84 में से 3 को माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा 81, और 16 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 48। ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं लेता हूँ एक 85 और एक लेते हैं 86। ठीक है, अब देखिए, पहले जो संख्याएं हम ले रहे थे वो 90 के नज़दीक थी या फिर 89, ये भी 90 के नज़दीक थी। अब की बार जो हमने संख्याएं ली हैं वह संख्याएं 90 के नज़दीक हैं, दोनों ही संख्याएं 90 के नज़दीक हैं, 90 से प्लस नहीं है, 90 से कम है। तो यहाँ पर ये 15 कम है, 100 से 15 कम है और ये 14 कम है। देखिए, ऐसी संख्याओं को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, हल्का सा ज़्यादा, और एक मल्टीप्लाई आपको एक्स्ट्रा करनी होगी। देखिए, यहाँ पर यदि मैं इसको यहाँ से घटाऊँ और इसको यहाँ से घटाऊँ तो मेरे पास क्या बचता है, ये बचता है 71। ठीक है, 71 ये बच जाएगा। यदि मैं 85 में से ये घटाऊंगा तब भी यही बचेगा, और यदि मैं 86 में से 15 घटाऊंगा तब भी यही बचेगा। अब देखिए, इसमें क्या करना है आपको, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन अब
15 की मल्टीप्लाई 14 से करनी होगी, उसको आप क्या करें जब ऐसी संख्याएं आ रही हो जिनकी मल्टीप्लाई दो अंकों से ज़्यादा आएगी। देखिए यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई 6 में की तो 66 आ गया, 8 की मल्टीप्लाई 6 में की तो 48 आ गया, ये दो अंकों की मल्टीप्लाई थी ठीक है। लेकिन यहाँ पर तीन अंकों वाली मल्टीप्लाई आएगी, तो ऐसे में क्या करना है आपको, यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 15 चौका 60 ठीक है, और 15 एकम 15 और 6 21 ठीक है, 210 आएगा, तीन अंकों की मल्टीप्लाई है। तो आप क्या करेंगे, तीन अंकों की मल्टीप्लाई को यहाँ पे रखिए, एक अंक यहाँ पर और ये दो अंक यहाँ पर, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 ये 3 हो जाएगा और ये 7, तो आपका आंसर आ गया 7310 ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पर भी मैंने एक न्यू स्लाइड बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया है कि 80 और 99 के बीच संख्याएं हों, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, मान लीजिए मैं 82 की मल्टीप्लाई 87 से करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये कितना कम है, यहाँ पर ये 18 कम है 100 से, और ये कम है 13 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी वही सिचुएशन आने वाली है, तीन अंकों की मल्टीप्लाई आएगी, यदि हम दो जो हमें संख्या दी गई है 18 और 13 जो कम है, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तीन अंकों की मल्टीप्लाई आएगी, और उसको हमें पहले की तरह ही ऐड करना होगा। देखिए कैसे करेंगे, पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर ले, सॉरी घटा लेते हैं। यदि मैं 82 में से 13 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचता है, 69 ठीक है, 69 तो ये हो गया। अब मुझे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 18 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो अलग कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि जो मल्टीप्लाई आने वाली है वो तीन डिजिट की आएगी ठीक है, 18 3 54 हो जाएगा, और 18 एकम 18 और 5 23 ठीक है, तो 234 की मल्टीप्लाई आ गया। 234 को हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे ठीक है, ये देखिए 4 3 9 और 2 11, 6 और 1 हासिल का 7, 7134 ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन ध्यान रखना है इसमें दोनों संख्याएं 100 से कम हो, लेकिन दोनों संख्याएं 80 से कम हो ठीक है, 80 से कम और 100 के बीच हो, 80 और 100 के बीच होनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट जो संख्याएं हैं अब हम ले लेते हैं जो 100 से ज़्यादा हो और 100 के 120 के बीच हों। फॉर एग्जाम्पल मैं एक संख्या लेता हूँ, 105 की मल्टीप्लाई 108 में करनी है, तो देखिए हम पहले क्या देख रहे थे, पहले हम 100 से कम देख रहे थे, अब यहाँ पर 100 से ज़्यादा देखना है, 100 से कितना ज़्यादा है 5, और यहाँ पर 100 से कितना ज़्यादा है 8 ठीक है। अब यहाँ पहले हम घटा रहे थे, अब की बार हम इसको जोड़ेंगे, देखिए 108 में यदि मैं 105 जोड़ता हूँ, सॉरी 5, 108 में यदि मैं 5 जोड़ता हूँ तो ये 113 हो जाएगा, या फिर मैं 105 में 8 जोड़ूं आएगा 113 ही, तो यहाँ पर लिख दीजिए 113, उसके बाद 5 ही मल्टीप्लाई 8 में कर दीजिए और इसको यहाँ पर लिख दीजिए 5 से 40, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह मैं 109 की मल्टीप्लाई 107 में कर दूं, तो यहाँ पर ये +9 ज़्यादा है और यहाँ पर +7 ज़्यादा है, और इसको मैं घटा लेता हूँ तो क्या आएगा, ये 7 घटाएं 102 आ जाएगा, और 7 9 63, देखिए बहुत सिंपल है, हो गया ठीक है। ये कंडीशन तब होगी जब संख्याएं 100 से ज़्यादा होंगी, देखिए मैंने दोनों एग्जाम्पल लिए हैं, 100 से 5 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, या फिर 9 ज़्यादा है। लेकिन यदि 110 से ज़्यादा है तब क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए मान लीजिए मैं एक संख्या ले लेता हूँ, 112 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 115 से, देखिए अब संख्याएं 110 को पार कर चुकी हैं, यहाँ पर वही कंडीशन आने वाली है जो कंडीशन हमने भी माइनस वाले मेथड में की थी ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये +12 ज़्यादा है और ये +15 ज़्यादा है ठीक है, इसको यहाँ जोड़ दीजिए, इसको यहाँ जोड़ दीजिए, नंबर एक ही आएगा, तो ये आ गया 127 ठीक है, 127, और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो डिजिट कितने आएंगे, 3 डिजिट, तो इसलिए क्या करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई अलग कर लेते हैं, 15 2 30 की 0 और 15 एकम 15 और 3 18, देखिए 180 आ गया, इसको 180 यहाँ पे इस तरह लिखना है आपको ठीक है, हमें लास्ट में केवल 2 डिजिट रखनी है, बाकी तीसरी डिजिट को इसके लास्ट वाले डिजिट में जोड़ देना है, 7 और 1 8 हो गया, तो 12 880 इसका आंसर आ गया। इसी तरह मान लीजिए एक नंबर और ले लेता हूँ मैं, 117 की मल्टीप्लाई 112 में कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये 17 ज़्यादा है और ये +12 ज़्यादा है, इसमें जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, तो हमारे पास में क्या आएगा वो जोड़ दीजिए, ये आ गया 129, और 12 और 17 की मल्टीप्लाई हमें पता है कि 3 डिजिट क्या आएगी, तो 12 7 84 और 12 एकम 12 और 8 20, तो 204 आ गया। इस 204 को आप कैसे लिखेंगे, 204, ये हो गया 4 0 9 2 11
और 12 में एक हासिल का जोड़ेंगे तो ये आएगा 13 104। तो देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दो मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, जो संख्याएं 80 और 99 के बीच हों वे बता दिए हैं मैंने, और जो एक 100 से प्लस हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब तीसरा मेथड है, वहाँ पर हमें दोनों संख्याएँ या तो 99 से कम और 80 के बीच थी, या फिर 100 से ज़्यादा और 120 के बीच थी। यहाँ पर एक संख्या मान लीजिए 80 और 99 के बीच है और दूसरी संख्या 101 से 120 के बीच है, तो ऐसे में आप कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 92 और दूसरा है 105, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल तरीका जो आप पहले ही सीख चुके हैं। कैसे करेंगे, 92 जो है वो 100 से कितना कम है, वो 8 कम है, और जो 105 है क्योंकि ये 100 प्लस का मेथड जा रहा है तो ये प्लस 5 ज़्यादा है 100 से। आपको 100 ही देखना है, एक संख्या 100 से कम है और एक संख्या 100 से प्लस है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली देखिए ये तो आप क्या करें, 92 में 5 प्लस कर दें या 105 में से 8 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 97। तो मैं 97 ही लिख दूंगा यहाँ पर। उसके बाद पहला मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा, अब की बार आपको यहाँ पर दो जीरो अपनी तरफ से लगा देनी है और इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 40, और ये 40 आपको इसमें से घटा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दहाई लेंगे 10 4 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 96 60, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है। इसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, 97 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ 109 से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ये कितना कम है 100 से, -3 कम है और ये +9 ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या करना है, सेम पहले वाला मेथड, 109 में से मैं 3 घटाऊं या 97 में 9 को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 106। करना क्या है, क्योंकि अब की बार दोनों मेथड जब भी यूज होते हैं तो आपको दो जीरो लगा देनी है और 9 की मल्टीप्लाई 3 से कर देनी है और यहाँ से उसको घटा देना है, ठीक है। घटाने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लीजिए अब की बार एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हम संख्या को 85 ले लेते हैं और एक को ले लेते हैं 112। तो एक संख्या 100 से कुछ ज़्यादा नीचे है और एक संख्या 100 से कुछ प्लस ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये 15 कम है और ये +12 है, ठीक है। इसको इसमें जोड़ दीजिए या इसको इसमें से घटा दीजिए, बात एक ही होगी। 112 में यदि आप 15 को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 127, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपको घटाना है, लेकिन दो जीरो यहाँ पे आपको लगा देनी है। 12 की मल्टीप्लाई 15 में कीजिए, जो भी आता है उसको यहाँ से घटाना है। 12 5 60 और 12 1 12 6 18, 180 180 आपको यहाँ से घटा देना है, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं केवल इसका, हम ये लास्ट एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी संख्या 100 से नीचे लेकर जा रहे हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक सबसे बड़ी संख्या 119। देखिए आप मेथड को यूज़ करेंगे 80 से 120 के बीच, ठीक है। ये मेथड तभी कामयाब है वरना आप इसमें उलझ कर रह जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। 82 की मल्टीप्लाई 119 से करेंगे तो क्या होगा वो देखिए, ये 100 से 18 कम है और ये 100 से 19 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखिए प्लस है, इसमें आप प्लस कर दीजिए या फिर 119 में से आप 18 को माइनस कर दीजिए, बात एक ही आने वाली है, ठीक है। 119 में से यदि मैं 18 घटाया तो 101 बच जाएगा। उसके बाद दो जीरो लगानी है और घटाना क्या है, 18 की मल्टीप्लाई 19 में जो भी आएगी वही आपको यहां से घटाना है और जो भी आपका आंसर आए मुझे कमेंट में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और मेथड की वीडियो लेकर आता रहूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।